नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वस्तिकास यूट्यूब चैनल, जहां आज हम बात करने वाले हैं सीई इंफो सिस्टम के आईपीओ के बारे में, जिसे हम मैक्समा इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एक लीडिंग प्रोवाइडर है एडवांस डिजिटल मैप, जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड आईओटी का। अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी डेटा और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है थ्रू मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कंपनी अपनी सर्विसेज BFSI, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम और FMCG जैसे सेक्टर में प्रोवाइड करती है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक लीडिंग B2B और B2B2C प्लेयर है, जिसके प्रेस्टिजियस कस्टमर बेस है, साथ ही कंपनी का कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहा है। वहीं अगर हम रिस्क की बात करें तो ये IPO प्योर OFS बेस्ड है, साथ ही कंपनी का एक स्मॉल कस्टमर बेस है जहां से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बेस आता है। अगर हम IPO की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये IPO 9 दिसंबर से स्टार्ट होकर 13 दिसंबर को क्लोज होगा, जिसका टोटल इशू साइज 1,039 करोड़ है, जो कि पूरा OFS बेस्ड है। इस IPO का प्राइस बैंड 1,000 रुपये से 1,033 रुपये तय किया गया है, जिसे आप 14 के मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO की लिस्टिंग NSE और BSE पर 21 दिसंबर को होगी। ध्यान रहे, ये पूरा IPO OFS बेस्ड होने की वजह से कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा और जो पैसे कंपनी जुटा रही है वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेबल रहा है, हालांकि FY20 में कोविड के चलते एक डिप देखने को मिली थी। FY19 में कंपनी का रेवेन्यू 163 करोड़ था, जो कि बढ़ के FY21 में 192 करोड़ आ गया है। वहीं कंपनी की नेट इनकम FY19 में 33 करोड़ थी, जो कि बढ़ के FY21 में लगभग 59 करोड़ आ गई है। वहीं अगर हम कंपनी के मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने FY19 में 20.6% का मार्जिन निकाला था, वहीं FY21 में 30.9% का मार्जिन है। अगर हम H1 FY22 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 122 करोड़ है, वहीं कंपनी की नेट इनकम लगभग 46 करोड़ है। वहीं कंपनी ने अपने मार्जिन्स को फर्दर एक्सपांड करते हुए 38.2% पे ले आए हैं। अगर हम आउटलुक की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ में SaaS, PaaS और MaaS प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। कंपनी की एक स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ है, साथ ही कंपनी अपने मार्जिन्स को एक्सपांड कर रही है, जिसका प्रेजेंस अक्रॉस इंडस्ट्री है। वहीं अगर हम वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी का IPO लगभग 90 के PE पे आ रहा है, जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू 15x है। फर्स्ट मूवर होने की वजह से कंपनी हायर वैल्यूएशन डिमांड करती है और इस वजह से हम इस IPO को सब्सक्राइब की रेटिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म। So this is me, Mayank Lika, signing off on behalf of Swastika and the Smart Limited. Sarve Bhavantu. Dhanyavaad.